बहुत कंफ्यूजन के बाद अभी ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं. बहुत कंफ्यूजन, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या व्लॉग बनाऊँ. कल का भी व्लॉग घर में ही था, तो जैसे कि अमन और सेजान घर पे आ रखे हैं, तो अभी मेरा ना दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल. मैं सोच रही थी कि नहीं यार, मैं छोड़ रही हूँ, मुझसे व्लॉग नहीं हो रहे. बट इन लोगों ने बोला कि अगर एक दिन भी स्किप किया ना बाद में, तुम उस चीज़ का ना रिग्रेट करोगे कि यार मैंने वो दिन क्यों स्किप, मतलब मैंने क्यों चैलेंज को ब्रेक किया. तो फिर एकदम से हिम्मत से आ गई कि नहीं यार, ये सही बोल रहे हैं. तो ये भी अमन और फिजान और साक्षी बोल रहे थे कि डेली चैलेंज, जैसे आप लोग बोलते हो डेली चैलेंज, ये वो बार बार नहीं निकला जा सकता. सो जो भी डेली में शूट होता है, जो भी डेली में मैं करती हूँ, वो सभी मैं दिखाऊँ. तो गाइस जो जो भी आगे होगा ना, प्लीज़ देख लेना. बाकी अभी ना अमन ने आज पूरा दिन निकाल दिया है वीडियोस बनाने के चक्कर में, और सिर्फ मैंने कुछ काम नहीं करा, सिर्फ मेरी एक प्रमोशन थी वो बनाई है. बाकी पूरा दिन सेजान, मतलब अमन ने काम किया है, और सेजान एकदम वेलो की तरह पड़ा हुआ था. दीदी रेड बुल की वीडियो नहीं बनाई? हाँ, इसने एक वीडियो बनाई है इसने, 50 सेकंड की बस. 59 सेकंड, ये भी वेली पड़ी है. मैंने भी वीडियो बना ली. कपड़े करे बेचारी ने, खाना बनाया, सिंगवाया, मैं नहाई नहलाया उन्होंने मुझे. हाँ गई, इतना सारा काम कर लेना, मैं बहुत ज्यादा थक गई. तो अभी पैनकेक बना रही हूँ इन लोग के लिए, तो वो सब देखो, बाकी जो जो भी होगा वो देखो. हाय गाइस, आज तो ट्यूशन गई थी. सो गाइस बहुत टाइम बाद आज यहाँ ट्यूशन भी गई थी. हाँ. कैसा रहा आपका ट्यूशन में? अच्छा था. हाँ. कैसा पढ़ाया? बहुत अच्छा. कितने टाइम बाद गई है ना ट्यूशन? फाइव ईयर नहीं, टू ईयर, 2 साल. ओ भाई. अच्छा लगा ट्यूशन था गाइस? पर जो बच्चे होमवर्क नहीं करके आते ना, उनको लाल, बिल्कुल लाल कर देगी बच्चे को. और वे जो अंकल की बेटे को इतना मारा, इतना मारा, याद नहीं करके आता था. मेरे को तो चाहती, देखो गाइस मैं आपको दिखाती, मेरे को ना डिफिकल्ट वर्ड का टेस्ट दिया था, एक गलत गया, सारे सही. डंग टडंग 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 टडंग. हम दोनों के लिए बनाया सिर्फ, बन रहा है ना. टेस्ट खाओ और बताओ. सो गाइस मैं साक्षी के लिए स्पेशल बना के लाई. ये क्या हरकतें करती है तू? तो इतनी नाक तो चौड़ी पौड़ी मोटी है भी. इधर आ. गाइस ये मैंने मीशो से साड़ी मंगाई थी, तो मैं देख रही हूँ कि कैसी लगेगी. पर वो से नियत कर रही हूँ. क्या आपको भी ये स्टेडियम वाली फीलिंग? हाँ. बताओ. वासो बुड्ढी, डोकी बुड्ढी. मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगी ना, तो इसलिए मैं दस रही हूँ. ये पर बोल दूँ अपने स्क्रिप्ट में पीटा हूँ, मैं भी बोल दूँ. पैर छोड़ो बेटा. जीत रहो, बाल को जीत रहो. ये लग रही है मेरे घर में एक ये ऐसी चीज है जो मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत ही बुरी. मैं इसे हटाना चाहती हूँ, बट मेरी मम्मी इसे हटाने नहीं दे रही, तो मेरी मम्मी इसको यहाँ से अंदर शिफ्ट करा रही है. चलो आराम से चलो चक दे, फड्डे कर दो आराम नाल. यहाँ से उठा दूँ? कहाँ से उठा? ड्रॉअर ही बंद हो जाए. सो गाइस ये लोग जा रहे हैं, बाय. जाओ चल रही. गाइज आपने जैसे देख लिया, मम्मी और साक्षी आज घर का काम कर रहे हैं, मतलब वो टेबल वगैरह सेट कर रहे हैं, तो और भी चीजें सेट हो रही है, और ये लोग घर में सफाई कर रहे हैं ना. तो पता नहीं क्यों मेरा ना थोड़े थोड़े टाइम बाद ना इस रूम में चेंज करने का मन करता रहता है कि हाँ यहाँ से ये चेंज कर दूँ, यहाँ से ये चेंज कर दूँ. अभी ना सोच रही हूँ क्या चेंज करूँ, थोड़ा ना मुझे स्पेस चाहिए इस रूम में, ना बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई है.
तो मैं सोच रही थोड़ा सा खाली करूँ, सो देखते हैं क्या क्या हटा पाती हूँ। अभी तो आपने जैसे देखा हुआ है ये वाला रूम, तो इस रूम की हालत वैसे कुछ ऐसी है, तो कुछ चेंज करने की सोच रही हूँ। लेट्स सी क्या चेंज हो पाता है गाइस। सो गाइस, बहुत ज़्यादा सफाई होने के बाद मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने रूम में। मम्मी और साक्षी ने पूरे घर में चेंज किया है, क्योंकि मैं इसी रूम में सफाई करती हूँ। मैंने बाहर कुछ नहीं किया, बस मैंने दिमाग दिया है कि ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ रखो, ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ रखो। तो बाहर भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, और मैंने रूम में क्या चेंज किया है वो आप देखो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चेंज हो रहा था क्योंकि नहीं समझ आ रहा था, तो थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। सो गाइज, इधर से तो मैंने बिल्कुल वैसा ही रहने दिया है, कुछ भी इधर से चेंज नहीं किया, बिकॉज ये इधर ही सेटअप ये सही लगता है कि रूम में एंटर होते ही दिखता है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बाकी ये ज्वेलरी बॉक्स वगैरह मैंने ऊपर रख दिए हैं, और मिरर भी इधर ही है। बस मैंने इधर से ये मैट्रेस ऐसे था, तो मैंने इस मैट्रेस को ऐसे कर दिया, बिकॉज मैट भी ठीक से नहीं दिख रहा था रूम में। अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, और स्पेस भी हो गया है, पहले बिल्कुल भी स्पेस नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे मैट्रेस कर दिया। और ये भी दोनों चीज़ें इधर ही है, बाकी स्पीकर मैंने इधर रख दिया है, और यहाँ पे जो बैक स्टैंड था पे था वो मैंने रूम के बाहर शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो मेरी लाइट और स्टैंड है वो मैंने पीछे रख दिया, और जो मेरी कुछ लाइट्स है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था वो मैंने इधर रख दी है। बाकी वैसे का वैसा ही है, बस मैट्रेस की वजह से थोड़ा चेंज लग रहा है, बाकी मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है। अब थोड़ा सा स्पेस हो गया गाइस। मैं ना थक गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम कर लिया है। तो गाइस, अभी मैंने खाना पीना खा लिया, फेस वॉश वगैरह नहीं किया, बिकॉज मैंने ये क्या हो गया, थोड़ा सा काम किया ना तो धूल मिट्टी हो गई तो मैंने अपना स्नैपचैट का भी थोड़ा सा काम किया है। गाइस, मैंने ये ड्रॉप जितना भी क्लीन रख लूँ बट ये नहीं रह पाता, ये हमेशा बिगड़ जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सेट करूँ, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर करूँ, बिकॉज मेरे को ना पिंपल आ रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़े दिन से अच्छे से स्किन केयर नहीं कर रही हूँ। तो बस यही है, बाकी जो आगे होगा देख लेना। सो गाइज, नेक्स्ट डे सेम व्लॉग, और रात को कंटिन्यू मैंने नहीं किया था, बिकॉज ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि मैंने स्किन केयर किया उसके बाद मैं बस मैंने फ़ोन चलाया, तो फिर मैंने रात को एंडिंग भी नहीं करी। तो अभी मैं उठी थोड़ी देर पहले, नहाई और नहाकर फिर मैंने सोचा अभी एंडिंग कर देते हैं। और गाइज, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं जल्दी उठूँगी और ये काम करूँगी वो काम करूँगी, उस दिन मैं और ज़्यादा लेट उठती हूँ। मतलब आज मैं 12:10 पे उठी, मतलब आज तो हद ही हो गई है, नहीं तो मैं लास्ट 11:30-11 तक उठ जाती हूँ, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। और अभी मैं फटाफट मतलब नहा ली हूँ, अब मैंने अपना जूस वगैरह पी लिया है, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, बाकी फिर अपना जो भी काम है मैं वो सब करूँगी। एंड आई नो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत घर में ही शूट किया, होप करती हूँ आपको पसंद आएगा। और बाकी इसके साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, होप करती हूँ वीडियो में आपको मज़ा आएगा। अगर वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।